क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये था कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन आल्सो। क्वेश्चन टू क्वेश्चन फर्स्ट वी फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड क्या है जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन बताया था कि अब क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर थ्री है तो टेन के टेबल में देखेंगे कि रूट अंडर थ्री किसकी वैल्यू की डिग्री की वैल्यू है। तो टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री होता है। तो वी कैन राइट दिस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन सिक्सटी डिग्री या रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट तो पाई बाई थ्री हो गया। अब स्टूडेंट फार्मूला दिया था यह कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन देन वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। यह जो है जनरल सॉल्यूशन लिखा है तो फॉर्मूला होगा मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा वे अल्फा भी पाई बाई थ्री। देखो स्टूडेंट यह फॉर्मूला है आपका यह क्या सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा फॉर जनरल सोल्यूशन। ये इसमें बताया था कि जो है जनरल सोल्यूशन होता है इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट एन पाई प्लस अल्फा अल्फा की वैल्यू जो है पाई बाय थ्री यही जो है रिजल्ट हो गया स्टूडेंट यही है जनरल सोल्यूशन। यह है स्टूडेंट जनरल सोल्यूशन। यह स्टूडेंट आपके बुक में ऐसे दे दिया है थीटा की जगह यक्स दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देन यहाँ हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू क्या होगा एन पाई प्लस पाई बाई थ्री का भी हो जाएगा आपका आंसर में है। हाँ स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखें। हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ सेट एक्स इक्वल टू टू। हाँ स्टूडेंट अब सेट एक्स का तो फार्मूला हम जानते हैं नहीं किसके लिए जनरल सोल्यूशन के लिए लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हम जानते हैं क्या होगा इन पर लिखा जा सकता है फ्रेंड हेडिंग पर लिख देना प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन में फ्रेंड अब फर्स्ट वी राइट सेट एक्स इक्वल टू टू तो स्टूडेंट अब से की वैल्यू बताइए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो फिर कहां कहां पॉजिटिव होता है ये पढ़ा है आपने से किस भी क्वाड्रेंटो में पॉजिटिव होता है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और कहां होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब से के टेबल में कई डिग्री की वैल्यू है इसे देखना है तो स्टूडेंट हमने कहा था कि सेक हाँ यह किसकी वैल्यू है सेक 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है सेक 60 डिग्री सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू टू होता है क्यों का 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है तो उसका रेसिप्रो का सेक हो गया। तो स्टूडेंट यह जो टू है ना उसकी जगह लिखा जा सकता है 60 डिग्री इनको लिखा जा सकता है sec x इज इक्वल टू sec 60 डिग्री या पाई बाई थ्री क्या लिखा जा सकता है पाई बाई थ्री देन फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई थ्री हो गया। और स्टूडेंट देखना है ना यह जो वैल्यू है यह प्रिंसिपल वैल्यू की कंडीशन बताया था स्टूडेंट कि थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या यक्स ही लिख दो स्टूडेंट और बट लेस देन इससे होना चाहिए टू पाई इस कंडीशन होती है इसीलिए हाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो यह जो पाई बाई थ्री है यह टू पाई से छोटा है एक आंसर यह हो गया स्टूडेंट। अब यहां हमें पहुंचना है स्टूडेंट तो स्टूडेंट अब यहां पहुंचना कैसे पहुंचेंगे हम यहां से हमने यहां कर दिया टू पाई हो गया और टू पाई में से माइनस कर दीजिए घटा दीजिए कितना
या पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री घटाई स्टूडेंट, अर्थात टू पाई में से कितना घटा रहे स्टूडेंट, पाई बाई थ्री घटा रहे, अर्थात टू पाई की वैल्यू 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से हम 60 डिग्री घटा रहे अर्थात 300 डिग्री, और देखा जाए स्टूडेंट कि 300 डिग्री कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और 300 डिग्री 2π से अर्थात 360 से छोटा भी है, तो स्टूडेंट पहले चेक कर लें कि यह 300 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या 2 होती है कि नहीं, ये देखना होगा कि यह जो वैल्यू 2 है यह 300 डिग्री की है नहीं, चेक करते हैं, देखो सेक कर 300 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है 360 माइनस कितना 300 हो गया, और ये डिग्री 300 डिग्री कहाँ है, फोर्थ में, फोर्थ में बताया था सेक क्या होता है, पाई होता है, 2π के साथ बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बदलता है, अर्थात सेक ही लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे सेक 60 और सेक 60 बिल्कुल 2 तो एंड क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है दूसरा वैल्यू कि sec या c इक्वल टू sec 2π माइनस पाई बाई थ्री, देन द वैल्यू ऑफ या c इक्वल टू 2π माइनस पाई बाई थ्री, या c इक्वल टू यहाँ कर दें 3 6 6π माइनस पाई बाई थ्री, या c इक्वल टू 6π माइनस पाई निकल गया 5π बाई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये दो वैल्यू हैं जो है कॉम पाई बाई थ्री और 5π बाई थ्री, ये है क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन, क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन, अब स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे कॉम जनरल सोल्यूशन, क्या निकालेंगे जनरल सोल्यूशन, अब जनरल सोल्यूशन देखेंगे जनरल सोल्यूशन, तो स्टूडेंट बताया था कि इफ हाँ ये फार्मूला दिया था क्या sec x, तो sec x इक्वल टू 2 है, तो स्टूडेंट sec के लिए कोई फार्मूला नहीं है जनरल सोल्यूशन में, हमें फार्मूला पढ़ाया है जनरल सोल्यूशन के में, जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला किसका पढ़ा है, साइन का पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस वन के पावर एन इंटू अल्फा, दूसरा पढ़ा कि कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, तीसरा पढ़ा कि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, लेकिन यहाँ sec x के लिए नहीं पढ़ा है, न cosec x के लिए पढ़ा है, न cot के लिए, तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे cos में, sec थीटा इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं 1 cos थीटा, 1 cos इक्वल टू 2, ऐसा स्टूडेंट रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करिए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए cos x पूरा हो गया 2 cos x इक्वल टू 1, यहां पूरा कर देते हैं तो 2 cos x इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट cos x इक्वल टू 1/2 आ गया, हाँ सर देखिए ठीक से sec x इक्वल टू 2 देखा जाएगा 1/2 किस डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिखा जा सकता है कि cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री या पाई बाई थ्री, तो स्टूडेंट ये हम फार्मूला पढ़ा था कि इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा माने वाई, ये स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा है कि cos कन्या हो गया, देखिए cos x इज इक्वल टू cos y, ये स्टूडेंट y हो गया cos x इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस y, y माने स्टूडेंट पाई बाई
सी ये मेरे स्टूडेंट लिखा जनरल सोल्यूशन हुआ, जहां क्या है वेयर एन बिलोंग टू जेड इंटीजर, एन बिलोंग टू जेड या एनी इंटीजर। हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द cos s is equal to minus root under 3। स्टूडेंट हम लोग पढ़ाया है पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन स्टूडेंट बताया कि cos s is equal to minus root 3 है। तो स्टूडेंट पहले ये देखना होगा कि cot वित्तीय वैल्यू या निगेटिव है, तो हमें स्टूडेंट देखना होगा कि cot कहां निगेटिव होता है। मुझे यहां देखो रखा है, जब कर देखो स्टूडेंट हमने बताया था कि cot कहां निगेटिव होता है, स्टूडेंट बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है और यहाँ निगेटिव होता है, और फर्स्ट में और थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ संभव है, यहाँ संभव है कहाँ सेकेंड और फोर्थ में। तो स्टूडेंट अब पहले ये देखना होगा कि कई डिग्री की cot के टेबल में cot x इज इक्वल टू रूट अंडर 3, तो cot की टेबल में किस डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3 है, क्या डिग्री 30 डिग्री, अर्थात लिखा जा सकता है cot x इक्वल टू cot 30 डिग्री, या इसको बदल दीजिए cot x इक्वल टू cot पाई बाई 6 हो जाएगा रेडियन, पाई बाई 6 हो जाएगा। हाँ पेशेंट अब आते हैं यहां हमें पहुंचना है, कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है हमको स्टूडेंट, पहुंचना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में पहुंचने के लिए बताया था यहाँ 2π होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ क्या होता है फ्रेंड पाई होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पहुंचना है तो पाई बाई 2 में यहाँ पर पहले देखिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट देखे दो केस हो सकते हैं, पाई बाई 2 चल दिया और उसने प्लस कर दिया कितना पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 एलसीएम 6, यहाँ 3 पाई प्लस पाई कितना आया 4 पाई बाई 6 आ गया। यहाँ छोटा कर दीजिए 2π/3 क्या स्टूडेंट ये भी हो सकता है, यहाँ पाई कर दीजिए पाई में से पाई बाई 6 हटा दीजिए पाई ऋण पाई बाई 6, देखिए पाई कर दिया अब घटा दिए पाई बाई 6, तो कितना आया फिर 6π-π कितना π/6 आ गया, हाँ 5π/6 हो गया। तो दोनों वैल्यू लिखी जा सकते, तो समझिए पहले कंफ्यूज ना होइए। इसमें देखो आप ये कई डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू कड़ी में 3 होती है रूट अंडर 3 होती है, तो यहां से यहां तक चला 180 हो गया। देखो आप 180 डिग्री है और उसमें से 30 डिग्री जो है माइनस कर दीजिए कितना जाएगा 150, कितना डिग्री 150 डिग्री। तो चेक करो तो स्टूडेंट देखो इतना आप पहले आता है cot 150 डिग्री बराबर लिखा जा सकता है cot बोलो 180-30, और इसे ये कहा है डिग्री में हो जाएगा cot 30 और cot 30 में रूट अंडर 3। तो स्टूडेंट इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है या 90 के साथ करेगा ना गलत हो जाएगा, 90 के साथ करेगा त्रिकोण की निष्पत्ति बदल जाएगी, तो ऐसे लिखना है। देखो यहाँ लिखा जा सकता है क्या cot s इक्वल टू cot पाई, देखो इसमें कितना चल दिया पाई हो गया, अब उसमें से अब कर दो माइनस पाई बाई कई डिग्री करेगी बताओ पाई बाई 6 है पाई बाई 6 कर दिया, हल करके देख लो आप, पहले देखिए पाई चला
और फिर माइनस करना है, माइनस करेंगे तो सेकंड में आएंगे, प्लस करेंगे तो थर्ड में आएंगे, तो हमें सेकंड में चलना है। तो हल कर दीजिए, cot f = cot यहाँ 6 pi माइनस पाई, देखो जो वन और सिक्स एलसीएम, सिक्स हुआ वन से भाग 6 pi या पाई, तो यहाँ से f = 5 pi बाय 6, ये आंसर हो गया। और 5 pi बाय 6 150 डिग्री कहाँ है, सेकंड में है, जो कि 2 pi से 360 से छोटा है, एक आंसर नहीं होगा। अब स्टूडेंट यहां पहुंचना है कहां, फोर्थ पार्ट में, कहां पहुंचना है फोर्थ में, क्यों काटने के लिए होता है यहां इशू। सेकंड वैल्यू स्टूडेंट लिखा जा सकता है कि cot f = cot, देखो स्टूडेंट यहां जब पहुंचना है तो आप कैसे चलोगे, 2 pi चल दिया और 2 pi से घटा दो तो 2 pi माइनस कितना घटाना है, पाई बाई 6 घटाना है, क्यों निकालना है कि रूट अंडर 3 कार्ड के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की होती है, पाई बाई 6। और फ्रेंड यहां से x इक्वल टू 2 pi माइनस पाई बाई 6, या x 6 × 12 बाद में फिर निकल गया 11 pi / 4। तो ये स्टूडेंट ये तो आपका क्या रहा, यह स्टूडेंट अभी आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन रहा। अब स्टूडेंट जनरल सोल्यूशन क्या देखेंगे, जनरल सोल्यूशन देखिए, जनरल सोल्यूशन है कि कार्ड f इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3, तो स्टूडेंट कार्ड का जनरल सोल्यूशन नहीं जानते इसलिए इनको कन्वर्ट करेंगे। हम जनरल सोल्यूशन जानते हैं, साइन का जानते हैं, कास का जानते हैं, टेन का जानते हैं, कार्ड का नहीं जानते, न सेक का जानते, न कोसेक का, इसलिए इनको हम बदल देंगे किसमें, टेन में। कार्ड थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/10 थीटा, वी नो दैट कार्ड f इक्वल टू 1/10x, ऑल्सो दिस इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3, इन स्टूडेंट इनका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, यहाँ 1 हुआ यहाँ बड़ा हो गया इसे, तो माइनस रूट अंडर 3 इंटू 10 ऐसा है, इसका जो कोफिशियंट इधर भेज दीजिए तो -1/√3 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हुआ 10x, या स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है टेढ़ा लग रहा है तो 10x इक्वल टू -1/√3 लिख दीजिए। अब स्टूडेंट यह 10 के टेबल में देखना है किसी वैल्यू है -1/√3, स्टूडेंट देखो ऐसे अंदाज नहीं रखना नहीं है, आप याद नहीं कर सकते, देखो ये वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू टेन कहाँ होती है, सेकेंड में होती है, और कहाँ होती है, फोर्थ में होती है। तो यहाँ पहुंचने के लिए स्टूडेंट आप पढ़े हो, यहाँ पाई करते हैं, क्या करते हैं पाई माइनस थीटा कर देंगे, यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ प्लस कर देंगे, पाई प्लस कर देंगे तो थर्ड में, थर्ड में टू टेन पॉजिटिव होता है, ये तो नहीं होगा पहले देख रहा हो, टेन के टेबल में 1/√3 किसी वैल्यू है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, तो 30 डिग्री को रेडियन बदल दो, पाई बाई 6 हो गया, तो पाई बाई 6 हो गया, तो इसमें इनको लिखा जा सकता है ये जो वैल्यू है, तो पाई माइनस पाई बाई 6 हल कर दो, 6 pi - 5 कितना 5 pi/6। और कहा इनको लिखा जा सकता है इसमें टेन एस इक्वल टू 10 5 pi/6 लिखा जा सकता है, 150 डिग्री कितना है 150 डिग्री, 10 150 डिग्री वैल्यू भी चाहिए तो फाइंड करें, देखिए -1/√3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला रिपीट करता हूँ जनरल सोल्यूशन के लिए, कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 10 α देन थीटा इक्वल टू n π + α, फिर ऑल्सो टेन एक्स इक्वल टू 10 α या अल्फा है, या देखो टेन थीटा या टेन एक्स इक्वल टू 10 α, तो दिस एक्स इक्वल टू n π + α, अल्फा की वैल्यू 5 pi/6 में यह आंसर हो गया। इस वजह से आप जो है अंत क्वेश्चन देखेंगे, थैंक यू। कई मिनट हो गया।